लेटेस्ट वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला खलीफा सानी, आपकी जब खिलाफत का तीसरा रोज आया तो कुछ यतीम बच्चियां आपके पास आईं हजरत उमर के पास और कहने लगी, क्या आप अभी खलीफा वक्त बने? तो आपने कहा कि हाँ मैं ही। उन्होंने कहा आप उमर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही उमर हूं। तो उन बच्चियों ने कहा कि आप हमारे साथ हमारे घर चले। तो आप उनके साथ उनके घर की तरफ चल दिए। रास्ते में आपने पूछा कि आखिर क्या माजरा है, कहां लेकर जा रही हो, क्या हुआ है? तो उन बच्चियों ने कहा कि आपसे पहले जो खलीफा थे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो रोज हमारे घर आया करते थे और हम टोटल 7 बहनें हैं और 7 की 7 यतीम हैं और वो हमारे घर आते थे, हमारी बकरियों का दूध धोते थे, उनमें से आधा हमें देते थे पीने के लिए और आधे की तिजारत करते थे और वो माले तिजारत फिर हमें वापस दे दिया करते थे। तो आपने रास्ते में ये जुमले इरशाद फरमाया कि सिद्दीक मेरे लिए खिलाफत का रास्ता इंतहाई मुश्किल और दुश्वार करके चले। उलमा ने बयान किया है कि जब हुजूर अली सलातो सलाम मेराज पर गए तो एक मकाम आता है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, एक ऐसा दरख्त कि जहां पर इंतहा होगी कि उससे आगे मां सिवा हुजूर अली सलातो सलाम कोई नहीं है, हजरत जिब्राइल अमीन भी नहीं गए। और जब उस मकाम पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल ने माजरत कर ली कि अब अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। उलमा ने लिखा है कि जब हुजूर अली सलातो सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो बज़ाहिर तन्हाई का आलम था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल में तन्हाई पैदा होना शुरू। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आवाज़ पैदा फरमाई और वो आवाज़ सुनकर हुज़ूर बड़े लुत्फ़ अंदोज़ हुए और वो आवाज़ हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की थी। वो मकाम जहाँ पर सब की इंतहा हो गई, वहाँ पर महबूब के दिल को मजा देने के लिए जिस शख्स की आवाज को पैदा किया गया, वो आवाज हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला।